हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम करेंगे केक आइसिंग बहुत ही आसान तरीके से और उन चीज़ों से जो इजीली हमारे घर में अवेलेबल होते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है डार्क चॉकलेट, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। उसके अलावा ये है व्हिपिंग क्रीम, व्हिपिंग क्रीम कंपलसरी है। तो अभी मैं व्हिपिंग क्रीम को ओपन कर रही हूँ, ये पहले से यूज़ किया हुआ है। तो अब इसको मैंने फ्रीज़र में से निकाल के थोड़ी देर पहले बाहर रख दिया था, उसके बाद मैं इसको ले रही हूँ एक कप में। कप में लेकर इसको मैं साइड में रख रही हूँ। हमें व्हिपिंग क्रीम एकदम ठंडा रहना चाहिए। अब मैं एक बर्तन ले रही हूँ, इसमें मैं डाल रही हूँ पीसी हुई शक्कर। पीसी हुई शक्कर डालकर इसमें पानी डालकर इसका हम लोग घोल बना के साइड में रख लेंगे। उसके बाद मैंने लिया है एक बर्तन, उसमें मैं डाल रही हूँ व्हिपिंग क्रीम। ये एकदम ठंडा है डालकर। अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ। अब हम इसको अच्छे से फेटेंगे, बट फेटते समय हमें ध्यान रखना है कि पहले स्लो स्पीड में करेंगे, उसके बाद इसका स्पीड बढ़ाएंगे और बीच बीच में रुक के इसको फेटेंगे। लगातार नहीं फेटना है, अदरवाइज मशीन गर्म हो जाएगा। और एकदम ओवर भी नहीं बीट करना है, अदरवाइज ये मेल्ट हो जाएगा। तो मैंने बीच बीच में रुक कर 5 मिनट में इसको अच्छे से फेट लिया है। एकदम स्टिफ पिक आना चाहिए, इस तरीके से उठाने से ये गिरना नहीं चाहिए। मतलब हमारा आइसिंग के लिए क्रीम बनके रेडी है। अब मैं इसको रख रही हूँ साइड में। अब मैंने लिया है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट लेकर मैं इसको तोड़ के एक बर्तन में डालूंगी। यहाँ पे मैं चॉकलेट का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो सिंपल व्हिपिंग क्रीम और किसी भी जो केक डेकोरेट करने के आइटम्स आते हैं उनके साथ आप डेकोरेट कर सकते हो। अब मैंने पानी गर्म होने रख दिया था, उसके ऊपर मैंने कट किया हुआ चॉकलेट रखा है। पानी बर्तन से नहीं लगना चाहिए। अब इसको मैं हिलाते हुए मेल्ट कर रही हूँ। आप चाहो तो इसे माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हो। माइक्रोवेव में 30 सेकंड में ये हो जाता है, बट मैं इसको गैस पे कर रही हूँ। अब इसी तरीके से हिलाते हुए मैं इसको अच्छे से मेल्ट कर लूँगी। जैसे कि मैंने पहले बताया, आप चाहो तो बिना चॉकलेट के भी ईजीली उन चीज़ों से डेकोरेट कर सकते हो जो आपके पास ईजीली अवेलेबल हो। अब ये अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे इसी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो गया। अभी मैंने लिया एक पाइपिंग बैग। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप कोई भी पॉलीथीन लेकर उसका, जैसे मेहंदी का हम लोग कोन बनाते हैं उस तरीके से बना के उसमें मेल्टेड चॉकलेट डाल सकते हो। यहाँ पर मैं म्यूज़िक थीम का केक बना रही हूँ। आप कोई भी थीम बना सकते हो जो आपको पसंद हो। अब मैंने चॉकलेट डाल दिया है, इसको मैं रबर बैंड से सिक्योर करके साइड में रख दे रही हूँ। अभी मैंने एक पेपर पर कुछ म्यूज़िक नोट्स और गिटार ड्रॉ करके रख लिए हैं। उसके ऊपर मैं रख रही हूँ बटर पेपर। बटर पेपर रख कर अब जो मेल्टेड चॉकलेट है जिसे हमने कोन में भरा था उससे इस तरीके से हम लोग इसको फील कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैं म्यूज़िक थीम पर केक बना रही हूँ। आप कोई भी थीम का यूज़ कर सकते हो, जिसको आपको देना है उसकी जो भी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग आप केक बना लेना। अब इसी तरीके से मैं सारे म्यूज़िक नोट्स को फिल कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसको रखूँगी फ्रिज में 2 से 3 मिनट में ये बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। अब सारे नोट्स बन के रेडी है, मैं इसको रख रही हूँ फ्रिज में। अब यहाँ पे मैंने लिया है सिंपल व्हीट फ्लावर स्पंज केक। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी, बट वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैंने इस केक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब मैं केक को कट कर रही हूँ। पहले इस तरीके से हम लोग कट लगा लेंगे। मैं इसके 3 पीसेस कर रही हूँ, आप चाहो तो 2 भी कर सकते हो। अब इस तरीके से कट लगा कर हम लोग इसके पीस कर लेंगे। आप चाहो तो ऊपर से ये लेयर हटा सकते हो, बट मैं उसको नहीं निकाल रही हूँ, उसको हम लोग बीच में रख देंगे। अब मैंने इस तरीके से कट करके ऊपर वाला जो पार्ट है उसको निकाल लिया है। फर्स्ट हमारा लेयर कट हो गया है। अब मैं इसको रख रही हूँ साइड में। सेम इसी तरीके से हम लोग सेकंड लेयर को भी कट कर लेंगे। केक यहाँ पे आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, चॉकलेट यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है वो वाला फ्लेवर का आप बेसिक केक यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे जो शुगर सिरप है उसको मैं डाल रही हूँ। शुगर सिरप हमें अच्छे से डालना है, पूरे केक पे अच्छे से स्प्रेड करना है। उसके बाद मैं इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं स्पून का यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, मैं यहाँ पे कोई खास इक्विपमेंट का यूज़ नहीं कर रही हूँ, उन्हीं चीज़ों का यूज़ कर रही हूँ जो हमारे घर में ईजिली अवेलेबल हो। इस तरीके से मैं स्पून से फैला कर उसके बाद मैं इसके ऊपर रखूँगी केक का फर्स्ट वाला लेयर जो ऊपर वाला था। आप चाहो तो जो क्रैक दिख रहा है उसको काट कर भी निकाल सकते हो, बट अगर आप इस तरीके से पलट के रखोगे तो काटने की ज़रूरत नहीं है, केक में फिनिशिंग अच्छा आएगा। अब शुगर सिरप से पूरे केक को एकदम अच्छे से कवर करेंगे ताकि केक सॉफ्ट रहे। उसके बाद व्हिपिंग क्रीम डालकर जैसे हमने फर्स्ट वाले लेयर को कवर किया था वैसे कवर करेंगे।
इस तरीके से कवर करने के बाद इसके ऊपर हम लोग रखेंगे मिडल वाला पार्ट जो हमने बीच में से काट के निकाला था। अब मैं बीच वाला पार्ट रख रही हूँ, मतलब ये हमारा लास्ट वाला लेयर है। इसको भी शुगर सिरप से अच्छे से कवर कर लेंगे, उसके बाद व्हिपिंग क्रीम डालकर इसको भी अच्छे से कवर कर लेंगे। आप चाहो तो पाइपिंग बैग का भी यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पर अभी फिनिशिंग की उतनी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं स्पून का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरीके का नाइफ है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो केक फिनिशिंग के लिए। अदरवाइज मैं आपको आगे एक और सिंपल तरीका बताऊंगी जिससे आप केक को एकदम अच्छे से फिनिशिंग दे सकते हैं उन चीज़ों से जो इजीली हमारे पास अवेलेबल हो। अब मैंने पूरा व्हिपिंग क्रीम से केक को अच्छे से कवर कर लिया है, उसके बाद मैं इसको निकाल रही हूँ बोर्ड के ऊपर। ये एक हार्डबोर्ड टाइप का बोर्ड है जो इजीली किसी भी शॉप में अवेलेबल होता है। अब अच्छे से कवर होने के बाद फिर से मैं व्हिपिंग क्रीम डालकर यहाँ पे मैं पुराना वाला जो एटीएम कार्ड है उसका यूज़ कर रही हूँ, उससे अब पूरे केक को मैं एकदम अच्छे से फाइनल फिनिशिंग दूंगी। ये फिनिशिंग देने के बाद हम लोग केक को आगे डेकोरेट करेंगे। यहाँ पे मैं एटीएम कार्ड का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो स्पैचुला का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर जो केक डेकोरेट करने वाले जो इक्विपमेंट्स आते हैं, कार्ड्स आते हैं, आप उनका भी यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपके पास वो सब नहीं है तो आप सिंपल इस तरीके का एटीएम कार्ड या कोई भी आपके पास थोड़ा सा हार्ड वाला कार्ड हो जो पानी में ख़राब ना हो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इस तरीके से पूरे केक को अच्छे से फिनिशिंग दे रही हूँ। आपको ऐसा लग रहा है क्रीम कम है तो आप थोड़ा सा और क्रीम डालना, उसके बाद इसको फिनिशिंग देना। अब केक को एकदम अच्छे से मैंने फिनिशिंग दे दिया है, अब मैं इसको करूँगी डेकोरेट। हमने जो म्यूज़िकल नोट्स बना के रखे थे वो काफ़ी अच्छे से सेट हो गए हैं। अब सबसे पहले मैं इसके ऊपर रख रही हूँ गिटार, उसके बाद वन बाय वन सारे म्यूज़िकल नोट्स रख रही हूँ। यहाँ पे डेकोरेट आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जैसे चाहे वैसे कर सकते हो, मैं एकदम सिंपल तरीके से कर रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा जो क्रीम बचा था उसको मैं पाइपिंग बैग में डालकर इस तरीके से सर्कल बना रही हूँ। आप चाहो तो आइसिंग करते समय इसमें कलर भी डाल सकते हो, जो फ्लेवर चाहिए वो फ्लेवर ऐड कर सकते हो। उसके बाद साइड से थोड़े से स्प्रिंकल लगाकर ऊपर थोड़ा सा मैंने गोल्डन डस्ट डाल दिया है। मेरी डॉटर को ये गिटार नहीं पसंद आया तो उन्होंने उसे चेंज कर दिया है। अब आप भी ये सिंपल आसान केक ज़रूर बनाइए। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।